एक तरफ जहां दीपिका पादुकोण अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कटरीना कैफ अपने बेबी बम को हाइड करती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें दीपिका पादुकोण का बेबी बम साफ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग आउटफिट में अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। उनके फैंस भी सुपर एक्साइटेड हैं दीपिका को मॉमी बनते हुए देखने के लिए। इतना ही नहीं, दीपिका पिछले दिनों लंदन पहुंची थी छुट्टियां मनाने के लिए, अपने बेबी मून को एंजॉय करने के लिए। उनके साथ उनके हबीब रणवीर सिंह भी पहुंचे थे, जहां से कई वीडियो सामने भी आया। और उस वीडियो में दीपिका पादुकोण अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई, जिसे देखने के बाद उनके फैंस तो सुपर लेवल पर एक्साइटेड हो गए और दीपिका की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कटरीना कैफ की, तो कटरीना कैफ भी कुछ दिनों पहले लंदन पहुंची थी। लंदन की सड़कों पर वो अपने हबी यानी कि विक्की कौशल के साथ में टहलती हुई नजर आई थी, मगर जैसे ही उन्होंने कैमरामैन को स्पॉट किया तो वो अपने आप को छुपाने लग जाती हैं। बस फिर ये वीडियो वायरल हो गया और लोग कयास लगाने लग गए थे कि कटरीना भी प्रेग्नेंट हैं और वो अपने बेबी बम को हाइड कर रही हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर दीपिका वर्सेस कटरीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि दीपिका जहां अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट कर रही हैं, वहीं कटरीना अपने बेबी बम को हाइड कर रही हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि कटरीना मॉमी बनने वाली हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहती हैं कि उनके बेबी बम को फिलहाल लोग जाने। दीपिका की बात करें तो रणवीर सिंह के मुंह से गलती से ये बात उनके दोस्तों के बीच निकल गई थी कि वो जल्दी ही पापा बनने वाले हैं। इसी वजह से दीपिका और रणवीर ने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज यानी कि अपने पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ शेयर किया था। अब देखने वाली बात होगी कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज को कब तक फैंस के साथ शेयर करते हैं।